आज की वीडियो है कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कॉलेज एडमिशन के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो याद से इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बिलासपुर के DLS कॉलेज की डिटेल्स शेयर की है। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में एडमिशन की। तो छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस एडमिशन स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें एडमिशन फॉर्म डालने के लिए। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लें जिससे आपको सब्जेक्ट कोर्स एंड कॉलेज सेलेक्शन में ईजी हो। पहला हमारा पॉइंट है कोर्स सेलेक्शन। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट लोग सभी कॉलेज में फॉर्म डाल देते हैं, उनका नाम भी आ जाता है मेरिट लिस्ट में और एडमिशन भी ले लेते हैं, पर कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनको ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, ये कॉलेज नहीं चाहिए था, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, जल्दीबाजी में फॉर्म तो बिल्कुल ना डालें, उससे पहले जान लें इम्पोर्टेंस पॉइंट। तो सबसे पहले कोर्स डिसाइड करें, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट रहेगा आप देखें आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, ट्वेल्थ, आप कौन से स्ट्रीम से पास किए हैं। उसके बाद इनके सब ब्रांचेस देखें, जैसे कि बायो में बहुत सारे कोर्सेस आते हैं जैसे फूड क्वालिटी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। मैथ्स के सब ब्रांचेस होते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, ये बायो में भी आते हैं। वैसे कॉमर्स वालों के लिए प्लेन कॉमर्स, कॉमर्स प्लस कंप्यूटर्स, एंड ये लोग बाद में सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं आर्ट, जो लोग PSC में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप अपना पहले सब्जेक्ट देखिए, और इन सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर सर्च कीजिए, इनका पूरा डिटेल पता चल जाएगा, इनका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, इसके बाद ही इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। हमारा दूसरा पॉइंट है कॉलेज सेलेक्शन। अगर आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है तो आप ज़रूर से देखें कि ये सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है वो कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है, उनका फीस स्ट्रक्चर, सीट, इनकी पूरी डिटेल में जानकारी लें। अगर आपको जानना है बिलासपुर के कॉलेजेस के बारे में तो उस पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे साइंस कॉलेज, GGU, बिलासा कॉलेज, तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज डिटेल, फीस डिटेल, अवेलेबल सीटों की संख्या बताई गई है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हमारा तीसरा पॉइंट है एडमिशन फॉर्म। अब आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, तो आप बिल्कुल से एडमिशन फॉर्म डालिए, उन्हीं कॉलेजेस को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं। एडमिशन फॉर्म डालते हुए भी ये बात ध्यान में रखें कि जो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है अपने लिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, मतलब उसको सबसे पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद सेकेंड में, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके कॉलेज सेलेक्ट करें। कुछ कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं जो खुद से ही अपना एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं अलग से, तो उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है कॉलेज एडमिशन। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आपने इंट्रेंस क्लियर कर लिया है, तो आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, पर सबसे पहले उस कॉलेज का चुनाव करें जिसको आपने सबसे पहले चुना था। अगर उसमें आपका नाम आया है तो वहां आप ज़रूर से एडमिशन लें। हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है मिशन ग्रेजुएशन। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एनी हाउ सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना हो, चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, किसी भी कॉलेज से हो, तो ये पूरा आपके ऊपर है। आप सभी कॉलेज में फॉर्म डालिए, जिसमें नाम आए, जिसमें आपको अच्छा लगे उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। थैंक यू एवरीवन, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा,
और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर कॉलेज बिलासपुर कॉलेज से रिलेटेड और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर आप बिलासपुर में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार उनके कोर्सेस, कॉलेजेस, उनका फीस स्ट्रक्चर, कितने सीट अवेलेबल है, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।